नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल कंपटीशन कंप्लीट में स्वागत है। हम बहुत ही आज लैंडमार्क फेमस केसेस कर रहे हैं। आज जो है नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 का केस करेंगे। नालसा का फुल फॉर्म देख लीजिए, कई बार EPO में फुल फॉर्म भी पूछता है। और नालसा किस केस से रिलेटेड है, तो वो ट्रांसजेंडर केस से रिलेटेड है ये भी पूछा जाता है। तो नालसा का फुल फॉर्म है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, राइट। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में इक्वालिटी की बात होती है कि इंडिया के अंदर ट्रांसजेंडर की भी इक्वालिटी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर ट्रांसजेंडर की हम लोगों ने इक्वालिटी पहले हमने नहीं दिया था। इस कारणवश क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी की बात करता है, आर्टिकल 14 इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करता है, और आर्टिकल 15 भी जो है इसी कास्ट और जेंडर से रिलेटेड है जो कि बात करता है। तो ये तीनों आर्टिकल जो है इनफ्रीज हो रहे थे। क्यों? क्योंकि थर्ड जो जेंडर थी उनको इक्वालिटी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं मिली थी, उन्हें बोलने का अधिकार नहीं है, और उन्हें ना ही उनको प्रोटेक्शन भी नहीं मिल रहा था, और उनको अपने मतलब हक़ से जीने का अधिकार नहीं था। तो नालसा ने एक PIL दाखिल किया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट क्या जजमेंट देती है, तो सुप्रीम कोर्ट बताती है कि एज अ इंडियन सिटीजन जो है सबको इक्वल लॉ के समक्ष सब इक्वल हैं, और सबको जो है इक्वल मौका मिलना चाहिए अपने बातों को रखने के लिए, अपने लाइफ को जीने के लिए। तो थर्ड जेंडर को देखा जाता है कि उनका जो आर्टिकल 14 जो है वायलेट हो रहा है, आर्टिकल 21 वायलेट हो रहा है, तो कॉन्स्टिट्यूशनली इनको वैलिडिटी दे देना चाहिए। एज अ थर्ड जेंडर जो है इंडिया के अंदर स्टेबल हो गया, और थर्ड जेंडर को है वैलिडिटी मिल गई, और थर्ड जेंडर वो लीगलाइज हो गया इंडिया के अंदर। तो ये था नालसा का केस। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि नालसा केस क्या है और इससे कौन से आर्टिकल जो इफेक्ट पड़ते हैं इसके ऊपर, तो आप लोग इस चीज़ों का ध्यान रखिए। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और आपका दिन शुभ हो।